उदाहरण इस प्रकार है कि स्वतंत्र परीक्षणों जिनके कि परिणाम स्वरूप एक सफलता की प्रायिकता पी के साथ परिणाम स्वरूप एक सफलता प्रायिकता पी के साथ मिलती है और विफलता एक ऋण पी के साथ होती है, क्योंकि किसी भी परिणाम में दो ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, तो एक दूसरे की पूरक हैं। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि एम विफलताओं के पूर्व एन सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न तो यही है, तो इसको थोड़ा और समझाने के लिए और विस्तार देने के लिए प्रश्न में यह भी जुड़ा हुआ है कि सोचिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो एक खेल को इस प्रकार खेल रहे हैं कि प्रत्येक जीत पर ए को एक अंक प्राप्त होता है और प्रत्येक हार पर बी को एक अंक प्राप्त होता है। तब इच्छित प्रायिकता वह प्रायिकता है जो कि ए खेल को जीत जाएगा यदि खेल उस स्थिति तक चलता रहता है जहां जीतने के लिए ए को एन और बी को एम अधिक अंक चाहिए। तो अगर ए को एन अधिक अंक चाहिए और या बी को अधिक अंक चाहिए, तो यह एक जो ऊपर लिखी हुई जो प्रश्न का कथन था उसका थोड़ा और चित्रित विस्तरण है और ये दोनों एक ही समस्याओं को इंगित कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं में हम देखेंगे कि चूँकि यह सारी परिणाम स्वतंत्र रूप से किए गए हैं, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम स्वतंत्र घटनाओं के सूत्रों को इस्तेमाल करके प्रश्न में पूछी हुई प्रायिकता और इच्छित प्रायिकता को हम कैसे गणना करते हैं। तो हम इस बात पर ध्यान दें जो कि हमें प्रश्न में यह कहा गया है कि एम विफलताओं, एम एक चर है जो कि के पूर्व एन सफलताएं मिलने के लिए हम यह घटनाक्रम है। तो यह आवश्यक और पर्याप्त है कि कम से कम एन सफलताएं मिलें एम धन एन ऋण एक परिणामों में, क्योंकि हमें एक विशेष सफलता और विफलता के बारे में पूछा गया, तो उन दोनों के योग में से एक घटाकर अगर इतने सारे परीक्षण किए जाते हैं उनके परिणाम जो प्राप्त होते हैं उनमें अगर एन सफलताएं मिल जाएं तो यह बराबर होगी कि एन जो होगी सफलताएं और एम सफलताओं की इच्छित प्रायिकता की हम गणना करें। तो क्या हमने माना कि चूँकि प्रश्न में बताया नहीं है कि कितने परिणाम हो रहे हैं, तो हम चूँकि प्रश्न में हमें यह ज्ञात करना है कि एन सफलताएं जो मिलती हैं वो एम विफलताओं के पूर्व मिलती हैं, तो हमने यह मान लिया कि एन धन एम एक जो परिणामों में अगर हमें एन सफलता मिले तो यह इस कथन के लिए आवश्यक और पर्याप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर यह सत्य है कि एम धन एन ऋण एक परिणामों में कम से कम एन सफलताएं प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, तब एन प्लस एम ऋण परिणामों में ज़्यादा से ज़्यादा एम माइनस वन विफलताएं ही हो सकती हैं, क्योंकि हमने परिणामों की संख्या को ऐसा चुना है कि अगर एन सफलताएं अगर हमें मिलती हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एम माइनस वन परिणाम बचते हैं, जिसमें कि अगर मिलनी हो तो उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा विफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हम यह विन्यास यह चुनाव यह बताने के लिए सक्षम है कि एम विफलताओं के पूर्व एन सफलताएं मिलेंगी। अब चूँकि एन और एम हमारे की संख्या के बारे में नहीं पता, ये चर हैं, तो हम इसको और व्याख्या करेंगे। तो हम यह ध्यान दें कि हालांकि प्रथम एन एम प्लस एन ऋण एक परिणामों में अगर एन से कम सफलताएं मिलती हैं तब उतने ही परिणाम में कम से कम एम विफलताएं हुई होंगी, क्योंकि किसी भी घटना का जो परिणाम है वो एक सफलता या असफलता है। तो अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें असफलता ही मिली होगी। अगर सफलताओं का की संख्या एम धन एन ऋण एक परिणामों में एन से कम है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ विफलताएं एम से एम तो हुई होंगी, कम से कम एम तो हुई होंगी। तो एम विफलताओं के पूर्व एन सफलताएं नहीं प्राप्त होंगी। तो इस एन का मान, अगर सफलताओं का मान एन से कम रहता है इन इन निर्दिष्ट परिणामों में, तो
एम विफलताओं के पूर्व एन सफलताएं नहीं मिलेंगी। अब यह देखिए कि प्रथम एम प्लस एन ऋण एक परिणामों में सटीक के सफलताएं मिलने की प्रायिकता क्या होती है। तो अगर आप ध्यान दें, पहले उदाहरण में हमने इस तरह की प्रायिकता की गणना की है कि अगर एन परिणामों में से सटीक के परिणाम की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। तो जबकि सारे परीक्षण स्वतंत्र तरीके से किए हैं, क्या हमने किया था, हमने कुल तरह विन्यास निकाले जिसमें कि के सफलताएं जो भी इच्छित घटनाएं हैं वो एन परिणामों में हो रही हैं, और उनके बाद किसी एक विन्यास की और किसी एक एन के विन्यास की जिसमें कि के सफलताएं या की घटनाएं इच्छित घटनाएं हुई हैं उनकी कुल प्रायिकता निकाल ली, इस बात को ध्यान रखते हुए कि सारे परीक्षण स्वतंत्र रूप से किए गए हैं। तो इसी ही परिणाम को इस्तेमाल करते हुए हम इस घटना में भी प्रायिकता लिख सकते हैं, चूँकि हमने पहले आपके सामने प्रस्तुत किया कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो और एम और सफलताएं एन विफलताएं जो हमारे को दी हुई हैं, एन सफलताएं और एम विफलताएं, उनके योग के से एक कम हम मान लें कि कुल घटनाओं पर केंद्रित करें, तो उन घटनाओं में से के सफलताएं मिलने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं एम प्लस एन ऋण एक सी के, ये कुल विन्यास होंगे, और किसी एक विन्यास में चूँकि के सफलताएं हैं और एम धन एन ऋण एक ऋण के विफलताएं होंगी, तो वो उनकी जो प्रायिकता है सफलता असफलता की, चूँकि हमें सफलता की प्रायिकता पी दी हुई है तो विफलता की एक ऋण पी होगी, तो उनके उपयुक्त घात लगाकर पी पर और वन माइनस एक ऋण पी पद के ऊपर उचित घात लगाकर हम उस प्रायिकता की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह हमें ये प्रायिकता प्राप्त हुई। तो अब यह ध्यान दीजिए कि M विफलताओं के पूर्व N सफलताएं मिलने की इच्छित प्रायिकता को हम निम्न प्रकार से गणित कर सकते हैं। वो क्या है, हमने तो अभी देखा ये तो कम से कम सफलताएं की N सफलता की बात हो रही है, लेकिन अगर सफलताएं N से ज़्यादा प्राप्त होती हैं तब भी यह इस घटना के लिए सत्य होगी। अगर एन से ज़्यादा सफलता मिलती है तो हम देख सकते हैं कि जो इच्छित प्रायिकता है, जिसको कि हम छोटे रूप से इंगित करने के लिए प्रायिकता एम और एन, जहाँ एम और एन सफलताओं विफलताओं की चर संख्या जो दी हुई है उनको है एक सामान्य पद जिसमें कि के सफलताओं के लिए हमने ऊपर प्रायिकता गणित की है, उस के का मान कम से कम एन एन से बढ़कर कुल परिणामों के बराबर हो सकता है, जो कि हमने माने हैं एम धन एन ऋण एक। सो इन प्रायिकताओं को के पद के चर को एन से एम प्लस एन माइनस वन तक बदलने के लिए होने वाली सारी प्रायिकताओं के योग के बराबर, तो यह हमारी कुल प्रायिकता हो गई कि हमें एन सफलताएं मिलती हैं एम विफलताओं के